नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइफ, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। चादर पुलिस के बीच झड़प, धरना प्रदर्शन कर रोड को किया जाम। सिलीगुड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके विरोध में हाशमी चौक मोड़ पर जाम कर दिया गया। सिलीगुड़ी के हाशमी चौक में एसएससी भर्ती में भ्रष्टाचार समेत कई मांगों को लेकर रोड ब्लॉक कर दिया गया था। इस दिन रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ भिड़ गए। ईवीपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। गौरतलब है कि ईडी ने शनिवार को राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री को गिरफ्तार किया था। इस दिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर सभी भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। अपना देखते बच्चन जे राज्य जुड़े हजार हजार शिक्षार्थी जीवन के भाषी दिए राज्य सरकार जेभावे चाकरियों के दुर्नीति करछे तार प्रतिबादे एबीपी शांतिपूर्ण विक्षोभ करछिलो। आमादेर मूल दाबी पार्थ शुधुमात्र एका खायनी, कारण मुख्यमंत्री बोले दिएछेन 75-25 फर्मुलाई खेते हबे। 25 भाग पार्थर काछे आछे, बाकी 75 भाग पिसी एवं भाईपोर काछे आछे। सिलीगुड़ी के मटिगड़ा स्थित शॉपिंग मॉल के अंदर स्पा के नाम पर चल रहा था देह व्यवसाय का कारोबार, सात गिरफ्तार, सभी को अदालत में किया गया पेश, जांच में जुटी पुलिस। स्पा के नाम पर देह व्यवसाय के काले कारोबार का माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने एक बार फिर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस कारोबार से जुड़े रहने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 महिला सहित 3 पुरुष शामिल है। इस बीच 7 लोगों पर इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत मामला दर्ज कर आज माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने उन्हें सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि माटीगढ़ा स्थित शॉपिंग मॉल के अंदर स्पा और सलून के नाम पर लगातार देह व्यवसाय का मामला सामने आ रहा है और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस कारोबार को बंद करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज एक बार फिर गिरफ्तारी हुई है। एक बार फिर सिलीगुड़ी में 40 लाख रुपयों की ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को किया गया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप व न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस की संयुक्त अभियान में लाखों रुपयों की ब्राउन शुगर बरामद की गई। इस घटना में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर शनिवार को न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के 3 बत्ती इलाके के बस स्टैंड से एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला बस स्टैंड पर बैठी थी और किसी का इंतजार कर रही थी। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की सफेद पोशाक की पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के पास से 261 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार महिला की पहचान सिलीगुड़ी डीएस कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाली रुखसाना खातून के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार रुखसाना खातून मालदा से ब्राउन शुगर लाकर सिलीगुड़ी में किसी को ब्राउन शुगर देने के लिए 3 बत्ती बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही थी। ब्राउन शुगर की अनुमानित बाजारी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड पर हादसे के शिकार हुई यात्री बस। सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड पर यात्री बस हादसे के शिकार हो गई। हिलकाट रोड सिलीगुड़ी की सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग में से एक है। सिलीगुड़ी से गलगलिया जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बस में करीब 16 से 20 यात्री सवार थे। हालांकि यात्रियों के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। सूचना मिलने के बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सिलीगुड़ी थाने की पुलिस और यातायात विभाग की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हादसे के बाद उक्त बस चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने अनुमान लगाया कि रविवार को छुट्टी के दिन ऐसी घटनाएं नशे के धुत चालकों के कारण होती है, जहां पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। দরবারের দিকে একটা গাড়ি আসতেছিল, তো এ ওভারটেক করতেছিল, ওভারটেক করতে যেয়ে নিমন্ত্রণ হারিয়ে গেছে, ব্রেক মারছে, গাড়ি রোলিং উঠিয়েছে, চালক চলে গেছে, ভেঙে গেছে। চালককে না কারো আহত নেই, কিছু নেই, মানে চালকের পাবলিক মারতে নিছিল প্যাসেঞ্জার, তো চালক পালিয়ে গেছে।
যাত্রী চলিস আর কিছু আর আমার নাম জীবন বিশ্বাস। राज्य पुलिस नौकरी परीक्षा में बंगाली और नेपाली भाषा में प्रश्न पत्रों के कारण आदिवासी समुदाय के संबंधित राज्य पुलिस के उम्मीदवारों को समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। चाय बगान क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के छात्रों ने शुरू से हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम से अध्ययन करते हुए बहुत से लोग बंगाली नहीं जानते हैं या बंगाली लिख या पढ़ नहीं सकते। ऐसे में कई लोगों को परीक्षा देते समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनसे बंगला माध्यम में पढ़ाई के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इसी के साथ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से रविवार को बागडोगरा टी स्टेट क्षेत्र में आदिवासी भवन में एक बैठक बुलाई गई। वहां पे आदिवासी समुदाय की ओर से सिंगिधाई नाम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामलों को उजागर किया गया और उसका समाधान मांगे गए। साथ ही साथ उनकी मांग किसी भी राज्य पुलिस परीक्षा में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में की जाए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सदस्यों ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगे। बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राज्य उपाध्यक्ष वीना समद, दार्जिलिंग जिला सचिव निकोदन मिंज, दार्जिलिंग जिला सचिव जोनास करकेटा और अन्य सदस्य उपस्थित थे। पिछले विगत जहां तक हमारी जानकारी है ऐसे 3 पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट बंगाल कांस्टेबल पुलिस की रिक्रूटमेंट हो चुकी है, जिसमें जो रिटर्न एग्जाम के समय उन्हें से क्वेश्चन पेपर जो दिया जाता है वो सिर्फ बंगाली मीडियम बंगाली में और नेपाली में क्वेश्चन दिया जाता है, जबकि हमारे बंगाल में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, इंग्लिश तक में नहीं दिया जाता है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे और इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे युवाओं को इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने में बहुत दिक्कत का सामना ऐसा हुआ है। सिर्फ एक बार नहीं, ऐसे 3 रिक्रूटमेंट कंटिन्यू लगातार कर लिया है सरकार ने, लेकिन अभी जाके ये ज़्यादा गहन विषय कब हुआ, जब अभी जो एक्साइज बंगाल का जो कॉन्स्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 58 ऐसे कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया है जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई किए हैं। उनको कहा गया है कि वे माध्यमिक में बंगाली मीडियम पढ़ाई किए हैं, ऐसा प्रमाण किया जाए, अपना सर्टिफिकेट जमा किया जाए। जबकि हिंदी मीडियम से जो लोग माध्यमिक लिखते हैं वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज हम लोग हिंदी लेते हैं, सेकेंड लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश लेते हैं और थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन लेने का कोई ऑप्शन ही प्रोविजन ही बंगाल बोर्ड में ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग बंगाली नहीं ले सकते हैं सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम स्कूल में भी क्लास 8 तक हम लोग जो कि प्रोविजन है इसलिए थर्ड लैंग्वेज क्लास 8 तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन सेकेंडरी एग्जाम में भी माध्यमिक के समय भी हम उसे थर्ड लैंग्वेज लें ऐसा प्रावधान बोर्ड ने ही नहीं रखा है, इसलिए हम हिंदी मीडियम स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं। तो इस वक्त अगर एक रिक्रूटमेंट में अगर सरकार के कोई डिपार्टमेंट कहे कि आप माध्यमिक के समय बंगला भी पढ़ाई किए या प्रमाण किए, तो ये हमारे साथ एक मजाकीय और गैर संवैधानिक सवाल पूछा गया है, जिसका रोष पूरे युवा जगत में हमारे यहाँ खड़ी हो रही है। और जो आज के युग में जो अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है, ऐसे समय में हमारे अनएम्प्लॉयड युवाओं के हिंदी माध्यम के छात्र छात्रों के साथ में ऐसा घटिया मजाक, ये हमारे बहुत ही सेंटीमेंट में लगा है। हम इसका विरोध भी करेंगे और समाधान के लिए भी प्रयास करेंगे। समाधान के लिए क्या मांगते हैं आप, क्या चाहते हैं? शुरुआत में तो हम सीधे चाहते हैं इस बार समाधान से कि अगर कई क्षेत्र से कई संगठनों ने भी और जो 58 कैंडिडेट जो लिस्ट में हैं उन्होंने व्यक्तिगत भी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि हम इस तरह का सर्टिफिकेट देने में असमर्थ हैं, इसलिए आप हमारी समस्या को समझिए और हमें एक एलिजिबल कैंडिडेट को के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, ये कैंडिडेट ने भी दिया है। और कई ऐसे संगठन भी है जिन्होंने किसी माध्यम के तहत में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को भी इस विषय में लिखित ज्ञापन भेजा गया है, जिससे कि मुख्यमंत्री सीधे इस पर हस्तक्षेप करें कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह से हिंदी भाषी ट्राइबल स्टूडेंट्स के साथ में इस तरह का एक अन्याय हो रहा है, इसको उनके नज़र में लाया गया है। फिर भी आप लोगों का समस्या अगर समाधान ना हो तो आप लोग क्या करें? इस बार हम सीधे बात करना चाहते हैं सरकार के साथ में, हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय विकास परिषद के राज्य कमेटी सीधे सीएम से मिलेंगे, उनसे विषय पर अवगत किया जाएगा, बात किया जाएगा और कुछ दिन के लिए हम उसकी प्रतिक्रिया की और जो हस्तक्षेप करेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद जो नतीजा आता है उसके हम इंतजार करेंगे। और इस पर भी अगर किसी तरह का समाधान अगर नहीं निकलती है तो वो 58 कैंडिडेट सीधे कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, हम इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपका नाम? मैं जुनास क्रिकेटर, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जिला सेक्रेटरी, दार्जिलिंग जिला। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट,
वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ए लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन इन गैंगटॉक, सिक्किम। Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 83272725252583272729. 83272729. हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन्स भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकूड डोर है, 100% प्योर टीकूड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away, international furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड, 2,000 रुपीज
फॉर अ जनरल टोर साइज पर पीस. दिस इज अ WPC फ्लोरिंग. यू हैव द लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, AC4 ग्रेड, AC5 ग्रेड अवेलेबल विथ अस. द PVC फ्लोरिंग, दिस इज वन डे वर्क फॉर वन रूम. दिस आर द वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग. स्टार्टिंग रेंज इज 65 रुपीज पर स्क्वायर फुट. 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड, 9434040400. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार. 30 लाख रुपयों की बर्मेटिक सागवन की लकड़ी बरामद, एक गिरफ्तार. सिलीगुड़ी बेलाकोवा रेंज के वन कर्मियों ने फिर एक बार सफलता हासिल की. रविवार को 14 पहिया ट्रक से 30 लाख रुपयों की बर्मेटिक सागवन की लकड़ी को जब्त किया गया. गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेलाकोवा रेंज के वन कर्मियों ने अभियान चलाकर अवैध बर्मेटिक सागवन लकड़ी की तस्करी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभियान चलाकर 14 पहिया ट्रक को रोका गया. तलाशी के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में सागवन की लकड़ी बरामद की गई. वन कर्मियों के मुताबिक बरामद लकड़ी की कीमत करीब 30 लाख रुपए है. सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट डेकोरेटर्स एसोसिएशन के सहयोग से पश्चिम बंगाल डेकोरेटर्स एसोसिएशन की ओर से 5वें जिला सम्मेलन का आज आयोजन किया गया था. इस मौके पर पश्चिम बंगाल डेकोरेटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मलय बैनर्जी ने कहा कि रविवार को सिलीगुड़ी दीनबंधु मंच पर यह सम्मेलन आने वाले दिनों में सभी डेकोरेटर्स के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा. जिले भर में शराब की तस्करी रोकने के लिए छापेमारी कर 4 अवैध कारोबारियों को किया गया गिरफ्तार. जलपाईगुड़ी जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शराब की तस्करी को रोकने के लिए छापेमारी कर 4 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने रविवार की सुबह जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के करवापल्ली व ढिंगवाझाड़ चाय बागान के कर्मचारियों ने मोहल्ले में छापेमारी कर यह सफलता हासिल की. आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कोतवाली थाने पुलिस के सहायक संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 100 लीटर शराब बनाने के उपकरण जब्त किए. आरोप है कि जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के ढिंगवाझाड़ व करलावली चाय बागान सहित कई चाय बागानों में शराब बनाई जा रही है. गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद रविवार को कोतवाली थाने की पुलिस के साथ आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया. अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्हें आज जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निकाली विजय रैली. भारतीय जनता पार्टी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए रविवार को अलीपुरद्वार जिले के फलकटा प्रखंड के जटेश्वर में एक रैली का आयोजन किया, जहां विजय उत्सव मनाया गया. इस दिन फलकटा प्रखंड के जटेश्वर चौपाटी इलाके में भाजपा पार्टी कार्यालय से रैली की शुरुआत की गई और जटेश्वर के विभिन्न इलाकों में पहुंची. इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने गेरुआ अबीर खेल में भाग लिया. साथ ही रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. जुलूस में हिस्सा लेने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते दिखे. इस दिन फालाकट्टा के विधायक दीपक बर्मन, पार्टी जिला सचिव अघोरनाथ रॉय समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित. रतखोला स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा पूजा पांडाल की हुई शुरुआत. रतखोला स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा पूजा सिलीगुड़ी शहर में बड़े दुर्गा पूजाओं में से एक है. कोविड के 2 साल बाद इस बार क्लब के 57वें वर्ष में कुछ नया करने के विचार से आज से दुर्गा पूजा के लिए पांडाल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया. पूजा समिति अध्यक्ष व डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार ने कहा कि हर साल रतखोला पूजा मंडप की सजावट में कुछ नया रूप दिया जाता है. इस साल भी क्लब ने कोरोना के दौरान एक अच्छी भूमिका निभाई है. रंजन सरकार ने यह भी कहा कि रतखोला परिसर में आज भी पार्षद बैठे थे. इस दिन नगर निगम अध्यक्ष प्रतुल चक्रवर्ती, पार्षद कमल अग्रवाल, वार्ड संख्या 22 के पूर्व पार्षद आनंद दास एवं वर्तमान पार्षद दीप्ता कारमाकर, वरिष्ठ सदस्य सुदर्शा एवं क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित रहे थे. रतखोला स्पोर्टिंग दुर्गा पुजो एटा आमादेर शुधु शिलीगुड़ी ना, एटा उत्तर बांगलार एकटी अन्यतम दुर्गा पुजो. जारा दीर्घदिन जाबत तादेर क्रिएटिविटी मानुषेर काछे तुले धरार चेष्टा करेन, आमादेर उत्तर बांगलार आमादेर बांगलार संस्कृति के তারা আমাদের দর্শকদের কাছে তুলে ধরেন এবং খুব মন দিয়ে বিভিন্ন ক্রিয়া আমাদের যা নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম মেনে শাক্ত মতে একদম তারা পুজো করেন. এটা একটা অভূতপূর্ব বিষয় এবং এখানে সবচেয়ে ভালো বিষয় যেটা যে এই এলাকার সমস্ত মানুষ এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত,
এবং যারা পুজো কমিটিতে যারা থাকেন তারাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে এরকম একটা পুজো শিলিগুড়িকে উপহার দেন। বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত এই ক্লাব দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে 57 বছর ধরে, এবার বোধ হয় 57তম। এটা একটা মানে ধারাবাহিকভাবে এই যে পুজো করা এবং তার সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখা, এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জের। এবারও সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তারা, কোভিডের সময়েও তারা অনেক কষ্ট করেই তারা পুজো করেছেন। এবার একটু মুক্ত হাওয়ায় নতুনভাবে আবার রথখোলা তার সহমহিমায় ফিরবে শিলিগুড়ির বুকে, উত্তরবাংলার বুকে মানুষকে একটা নতুন ধরনের পুজো তারা উপহার দিতে চলেছেন। রেলওয়ে ফাটক ঠিক সে নেই খুলনে পর লোক কি বড়ি সমস্যায়। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন সে ট্রেন কে জানে কে বাদ গুমটি এক রেলওয়ে ফাটক ঠিক সে নেই খুলনে পর লোক কো পরেশানিও কা সামনা করনা পড় রহা হ্যায়। ভারত আর বাংলাদেশ কে বীচ মেথালি এক্সপ্রেস, হলদিবাড়ি, কলকাতা সুপার ফাস্ট আর যাত্রী ট্রেনো কে সাথ এস রেলওয়ে লাইন পর চলতি হ্যায়। ইসসে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন কা মহত্ব বড়তা চলা গিয়া হ্যায়। লেকিন ইসসে রেলওয়ে লাইনো কে পার আদ্রাপাড়া, পান্ডাপাড়া জেসে বড়ে ইলাকো মে রহনে ওয়ালে আম লোগো কে লিয়ে সমস্যায় বড়তি যা রহি হ্যায়, ক্যোঁকি বর্তমান মে রেলওয়ে ফাটক সুইচ দেনে পর আপনে আপ বন্ধ হো জাতে হ্যায় আর ট্রেন কে আনে কে বাদ খুল জাতা হ্যায়। হালাঁকি কই দিনো সে গুমটি এক রেল স্টেশন কে এক তরফ কে গেট ট্রেন ছুটনে কে বাদ ভি আপনে আপ নেহি খুল রহা হ্যায় আর ইসসে ইস মার্গ পর যাত্রা করনে ওয়ালে আম লোগো কি পরেশানি বড় গই হ্যায়, জিসসে জাম কি স্থিতি লাগাতার বন রহি হ্যায়। ইস সিলসিলে মে আয়ে দিন ট্রাফিক মে ফসে व्यक्ति सुकांत रॉय ने कहा कि मैंने तो सुन रहा हूं कि यहां फ्लाईओवर ओवर ब्रिज बनेगा, लेकिन हमारी पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक नम्बर गुमटी से बेसिभाग देखा जाए रेल गेट दूटर मध्य एक खुले और एक खुले ना যানজট তো হচ্ছে, লোকের অসুবিধা হচ্ছে, এই যে আর 10-20 মিনিট আটকায় রাখতে লাগে, তারপরে এখানে ফ্লাইওভারের জন্য কমপ্লেন করছিল, কই কোনো খবরই তো নাই, খালি আসে ডিআরএম অফিস থেকে, ব্যাস এইটুকু। এই যে বর্তমান আরেকটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যে একদিকের গেট খোলা থাকে, একদিকে আটকে যায়, গেট খোলে না। হ্যাঁ, এটা অনেক সময় কোনো ইয়ের বোধহয় ডিস্টার্ব হয়, অসুবিধা হয় বোধহয়, এই জন্য এটা বারংবারই দেখা যায়। হ্যাঁ, এমন বলতেছে আবার পয়েন্ট পান না হলে হয় না, আবার অনেক সময় ডিস্টার্বও হয়ে যায়, এই সমস্যা, একটা গেট খোলা একটা গেট। হ্যাঁ, এরকম সমস্যা হয়ে যায়, এটা মানে এটা কি সমস্যা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো সুরা চাই যাতে ভালোভাবে ব্যবস্থা হয়, ইয়ে হয়। সুকান্ত রায়, ধন্যবাদ। तक लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away, international furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें
SN Interiors Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 832727-2525. 832727-2929.